धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आचार्य गुरु विद्यासागर जी समस्त आचार्य संघ की। सुनो, यह धर्म सम्मेलन जिसको बोलते हैं, समुद्र में चारों तरफ से नदियां आकर के मिल जाती है। नदियों को कोई दिशा का आग्रह नहीं रहता, तो आप सुन रहे हैं ना, मैं बहुत सरल भाषा में बोल रहा हूँ। न्यू क्लिक वर्ती चैनल बात सुनो, बात सुनो। वो लोग कन्नड़ भाषा को भूल करके हिंदी भाषा में कोई भी भाषा का आग्रह नहीं करते हुए भीतरी भावों को ग्रहण करने के लिए आए, और पुनः ये लोग नेता लोग उनको या दक्षिण कहते हैं या उत्तर कहते हैं या पूर्व कहते हैं पश्चिम कहते हैं। समोसरण में कोई दिशा का बोध ही नहीं होता, किंतु अपनी दशा का बोध जब होने लग जाता है तो वह आनंद विभोर होते हैं। दक्षिण वालों को आनंद विभोर होना है क्या केवल दिशाओं को ही पकड़ना है? कभी भी दिशा पकड़ में नहीं आती, दशा को निर्धारित करो। जैसे नदियां निर्धारित करने के उपरांत उनको पूजने वाले हजारों लाखों बहुत सारी जनता रहती है, उन ओर नहीं देखते हुए नदियों का लक्ष्य हमेशा हमेशा अपनी दिशा को अपनी दशा के अनुसार ही दिशा चुनी जाती है और चुन करके आते हैं। इसलिए जनता की व्यवस्था करने की कोई आवश्यकता नहीं, ये नेता लोगों को ठान लेना चाहिए। सुन रहे नेता लोगों? हाँ, क्योंकि हम भी मोक्ष मार्ग के नेता हैं। यहाँ पर मोह मार्ग के नेताओं की कोई आवश्यकता नहीं है। मोक्ष मार्ग के जो नेता होते हैं वे जनता को हमेशा हमेशा एक प्रकार से सही दिशा के ऊपर ले जाना चाहते हैं। आप लोग भारतवासी हो और ये ध्यान रखो, लोकस्य अवगाह है, लोक का अवगाह कहाँ है? आकाश में है। आकाश शानंता कहा है, आकाश अनंत प्रदेश वाला होता है, लेकिन दिशाओं का नाम कहीं भी उल्लेखित नहीं किया। चाहे जैन हो चाहे जैनेतर हो, कि आकाश के विभाग का नाम ही दिशा है ये पक्का है, लेकिन आकाश अखंड है, उसमें कोई खंड करने का सवाल ही नहीं उठता। किंतु फिर भी दिशा का विभाजन इसने किया गया है, इधर से कोई लोग आ जाते हैं तो दक्षिण से आ रहे हैं, इधर आ गए हैं इसलिए उसका नाम उत्तर है, ये ध्यान रखना। फिर भी यहाँ से आप बैठे हैं दिल्ली, फिर भी उत्तर की ओर है। दिल्ली वालों के लिए ये नीमावर दक्षिण है, और दक्षिण वाले के लिए ये उत्तर है, और कश्मीर वालों के लिए पूरा पूरा दक्षिण ही दक्षिण है, और दक्षिण वाले केरल वालों के लिए ये पूरे पूरे उत्तर ही है। अब हाँ, इस प्रश्न का उत्तर आप दे दीजिए, दक्षिण वाले भी नहीं दे सकेंगे और उत्तर वाले भी नहीं दे सकेंगे। हम तो आप लोगों के लिए उत्तर देना चाह रहे हैं,
आपके प्रश्न का हल हो जाए तो हम समझेंगे कि जीत दक्षिण वाले की हो गई। उत्तर क्या है यह बहुत कठिन है। पहले जब हम स्कूल जाते थे, विद्यालय जाते थे, उस समय ये पूछा जाता था इसका उत्तर लिख दो। हाँ, उत्तर तो हम बाद में लिखेंगे, पहले प्रश्न रख दो हमारे सामने। हम ये देखना चाहेंगे प्रश्न योग्य है क्या नहीं, ये भी बहुत कठिन होता है। विद्यार्थी लोगों, अब थोड़े से जागृत हो जाओ। प्रश्न यदि गलत रखा है तो उत्तर कहाँ से लाओगे आप? नहीं समझे? आजकल के शिक्षण की महिमा बहुत अपरंपार बढ़ चुकी है। आज हम उन गुरुओं को, शिक्षकों को भी पूछ सकते हैं, ये आपने जो प्रश्न रखा है सही है कि नहीं है, किस आधार पर आप कह रहे हो। इसलिए मुंह को छोड़ दीजिए, ऐसा उत्तर भगवान ने दिया है। या दक्षिण हो चाहे उत्तर हो, पूर्व हो या पश्चिम हो, ऊपर हो या नीचे हो, चारों दिशाओं में कोई दिशा है ही नहीं, केवल मेरु प्रदक्षिणा नित्य गृलोके। ये सूत्र का उत्तर दिया गया है कि मेरु की प्रदक्षिणा की जाती है। मेरु हमारा एक पवित्र स्थान है, बहुत बड़ा सुमेरु जिसको बोलते हैं, सोने का है, उसके जब परिक्रमा लगाते हैं वहां पर हमें दिशाओं का बोध होता है, अन्यथा कोई दिशा होती ही नहीं। यह दक्षिण है और यह उत्तर है। ये ऐसे ये हाथ दाहिना और बायां, इस प्रकार इसको कहा गया है, लेकिन वस्तुतः ये हाथ अपना शरीर का एक अंग है। अंग और अंगी का बोध होना बहुत कठिन होता है, लेकिन सभी जनता लड़बड़ रही है। अभी भी 70 वर्ष के उपरांत भी भारत में ऐसे प्रांत भी है, यह गांव हमारे लिए इस तालुका में आना चाहिए, इस जिले में आना चाहिए। निपाणी के बारे में पहले भी मैं सुनता था, अभी भी सुन रहा हूँ। क्या कह रहे? निपाणी एक प्रकार से त्रिकोणी जिला में होना चाहिए और निपाणी स्वयं को ही तहसील बना लेना चाहिए। और इधर महाराष्ट्र वाले भी कहते हैं कि नहीं, हमारे पास ही है, इसलिए हम महाराष्ट्र में आना चाहिए। अभी भी इन लोगों को चयन नहीं है, रात दिन हड़ताले चल रहे हैं। और मैं यहाँ पर आता हूँ, सुनता हूँ तो भैया हम अच्छे हैं यहाँ पर, न निपाणी है, न पानी है, न निपाणी है। निपाणी का अर्थ होता है दक्षिण। मान लो सदलगा से कोई व्यक्ति चलता, भैया वहां पर पानी नहीं है, निपाणी, इसलिए वहां पर सवनी जी के पास एक और गांव है, वो कहते हैं भैया आगे जाकर के पानी नहीं, निपाणी है, इसलिए पटनकुड़ी। सुन रहे हो आप लोग? निपाणी भी आ गई और पटनकुड़ी भी आ गई। पटनकुड़ी ने जल्दी जल्दी पी लो, क्योंकि वहां पर पानी नहीं मिलने वाला है। भारतवासियों, आपको समय पर पानी पी लेना चाहिए और भोजन कर लेना चाहिए, और अपनी दशा को बदलने के लिए दिशा को बदल देना चाहिए। भारत को विश्व चाह रहा है और भारत विदेश के लिए भाग रहा है। इसलिए मेरा कहना है, जनता बहुत होशियार है, जनता बहुत समझदार है, उन्हीं को वहाँ अपना अभिमत दे देती है और बाकी जो है नेता रही है, इधर से भी नोट ले लेगी, इधर से भी नोट ले लेगी। हाँ, हम आपके बिना रह नहीं सकते, बिल्कुल ठीक है, भले 5 वर्ष के बाद आप दर्शन दे रहे हो। समझ रहे इस वाक्य का क्या अर्थ होता? नेता लोग आ जाते हैं ना तो जनता कहती है बहुत हंसते हुए, हाँ 5 साल के बाद आपका दर्शन हो रहा है, मतदान के लिए आ गए होंगे, और क्या, हम दे देंगे। हम
हम आपके लिए मत नहीं देंगे, अभी मत देंगे, ध्यान रखो, अभिप्राय को सोचो। कभी भी सुख मिलता है तो वह केवल अपनी दशा को बदलने से देता है और कोई दिशा से नहीं होता। इसलिए मेरु की प्रदक्षिणा जो सूर्य चंद्रमा आदि मेरु की प्रदक्षिणा करते हैं, तो दक्षिणा का अर्थ यह दाएं हैं, उसके माध्यम से होती है, तो यह पूरब है, यह पश्चिम है, यह दक्षिण है और यह उत्तर है। जहां कहीं भी मेरु के बिना उस दिशाओं का हमें बोध नहीं होता। उसी प्रकार दक्षिण भाव समग्रियान कहा है, दक्षिण भाव यानी उत्तम भाव होते हमारे, तो हमें केवल ज्ञान और मुक्ति मिलने वाली है। चाहे वह सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे पूरब हो और पश्चिम हो, हम तो महाराज जी को लेकर के ही जाएंगे। कहाँ पर ले जाएंगे? महाराज जी तो ऊपर जाना चाहते हैं और आप इधर उधर ले जा रहे हो, और भटकने के लिए कारण हो जाएगा। हम भटकना नहीं चाहते हैं और जनता को भी भटकाना नहीं चाहते हैं। नेताओं की चिंता हमें कभी भी नहीं होती है, उनको तो वही रहना है और उनको नेतृत्व में ही आनंद आता है। पता नहीं जब अपने घर को नहीं संभाल पा रहे हैं और भारत को संभालने की बात करते हैं, समझे, अपने घर के लिए बजट नहीं बना पा रहे हैं और भारतवर्ष के लिए इतनी जो है 125 करोड़ जनता के लिए वो बजट बना रहे हैं। है क्या आपके पास कुवत इतने? है ही नहीं। जनता को लेकर के आप जनता के लिए क्या दे रहे हो? इसलिए नदियां कह रही है हम जाएंगे, आप लोगों की बहकाव में नहीं आएंगे। वह कभी भी नदियां अपनी दिशा को निर्धारित करने के उपरांत मोड़ती नहीं है। मूर्ति जैसे लगती है लेकिन वह तो अपनी दिशा, सारी नदियां पूरब की ओर चली गई है और नर्मदा एक अकेली ही पश्चिम की ओर चली जा रही है। सभी लोग कह रहे हैं अब तो मुड़ जाओ। नहीं, हमारे पास भरोच बहुत जल्दी पास आ गया है, हम तो जाकर के मिल जाएंगे और अनंत काल के लिए अनंत सुख का वैभव का अनुभव करेंगे। बहुत अच्छा, देखो एक पुलिस यहाँ पर नहीं है, फिर भी शांति के साथ जनता बैठी है। नेता लोगों को मेरा कहना है आप व्यवस्था में मत लगो, आप व्यवस्थित हो जाओ। दोबारा कहूं वाक्य कठिन लग गया हो तो आप व्यवस्थित हो जाओ। व्यवस्था की कोई आवश्यकता नहीं है, अवस्था के अनुसार व्यवस्था होती चली जाती है। अब उधर चलो महाराज, उधर कैसे चले जाए? समोसर में तो चारों ओर कोई दरवाजा नहीं रहते, देखो जनता कैसे बैठी है और वह जनता खड़ी हुई है स्वागत के लिए। वो कह भी नहीं रही कि हमारे जगह नहीं मिले, हम बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया, हमें सुनने के लिए व्यवस्था कर रखी है। यदि मान लो यहाँ माइक बंद हो जाए तो नेता क्या करेंगे बताओ? ये माइक को आप खरीद सकते हो, ये व्यवस्था वायर इत्यादि की आप कर सकते हो, टेबल कुर्सी आदि आप यहाँ पर ला करके रख सकते हो और महाराज जी को विनय के साथ कह सकते हो, लेकिन लाइट गोल हो जाए तो आप क्या करोगे मुझे बताओ? है? लाइट गोल हो जाए तो क्या करोगे मुझे बताओ? हम बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? लाइट जो आप व्यवस्था कर रहे हो, लाइट की व्यवस्था नहीं होती, माइक की व्यवस्था होती है। लाइट खरीदी नहीं जाती है, लाइट यदि रुक जाए और यदि चली जाए तो आपकी यह व्यवस्था किस काम की मुझे बताओ?
व्यवस्था यहाँ पर कुछ नहीं है, व्यवस्था यहाँ पर कुछ नहीं है। आपको पहले पूछना चाहिए था, हमने लाइट नहीं खरीदी, हमने माइक की व्यवस्था की है। चुप बैठो, अपने आप ही यह आवाज आती चली जाएगी। बस अपने कान को बस खोल करके रखना, आंखें बंद कर ले तो चल जाएगा। आंखों से नहीं सुना जाता, आंखों से तो देखा जाता, लेकिन अब सुनने के लिए आए कि देखने के लिए? देखने के लिए तो चारों तरफ से खुदा हुआ है। हम दिगंबर है तो आप तुम श्वेतांबर बन करके आए हो। अपनी आपकी ये कह रहे हैं कि हम दिगंबर। अच्छा, आपके महाराज जब अपने आप को दिगंबर मानते नहीं तो आप कैसे मान रहे हो पता? घर के महाराज नहीं होते, ध्यान रखना। महाराज घर से निकलने के उपरांत घर के नहीं है। इसलिए जहां से नदियां निकलती हैं, आज तक का यह रिकॉर्ड है, आज तक का यह इतिहास है, कोई भी नदी उन पर्वतों की ओर नहीं जाती, और पर्वतों से नीचे उतर गई तो तर गई। इसलिए समुद्र को मत भूलो, वो नदियां सारे के सारे, चाहे पूरब हो, चाहे पश्चिम हो, या दक्षिण हो, चाहे उत्तर हो, सब जगह वहां पर समुद्र की व्यवस्था है, वहां पर जाकर के मिलने की भी व्यवस्था है। भगवान के समूह शरण में व्यवस्था अपने आप ही होती चली जाती है, देवलोक जैसे, किंतु वहां पर पुलिस की भारी व्यवस्था नहीं रहती है, और कोई भी नेता वहां पर नहीं रहता, सब लोगों के लिए नीचे वहां पर बैठने की व्यवस्था रहती है। चक्रवर्ती भी वहीं पर बैठा रहता है और सामान्य जनता भी वहीं पर बैठी रहती है। चक्रवर्ती के योग्य वहां पर व्यवस्था दी जाती है, यहाँ व्यवस्था कुछ नहीं, व्यवस्थित होकर के धरती पर बैठ जाते हैं। एकमात्र दृष्टि रहती है, कहाँ दृष्टि रहती है? सृष्टि की ओर नहीं। वहां पर कुबेर ने उसकी रचना की है। कुबेर बार बार समोसरण को नहीं देख रहा, समोसरण में बैठे हुए प्रभु की ओर सबकी दृष्टि है। जहाँ दृष्टि है, जिस ओर दृष्टि है, वही सृष्टि हमारी बदली जा सकती। सृष्टि को नहीं बदलो, किंतु दृष्टि को बदलो, इसी में आपके लिए हित है। अन्यथा हित कभी भी इस ढंग से हो नहीं सकता। ज्यादा तो मैं कहना नहीं चाहता है, क्योंकि समय के अनुसार हमें चलना है। जो व्यक्ति समय के अनुसार अपना निर्धारित कर लेता है, 3 घंटे भी उसके लिए कम पड़ जाते हैं, और आप लोग विद्यार्थी रहे, घंटी कब बज रही है, घंटी कब बज रही है, वार्निंग हुआ है क्या नहीं, अरे पेपर तो लिख ले। नहीं नहीं, हमने ऐसा पेपर लिखा है, इसलिए चश्मा से देखोगे तो भी कुछ नहीं दिखेगा, और वही जानता है कौन जांचने वाला। हाँ, बस ये लिखा है, एक प्रत्येक पृष्ठ पर कृपांक दीजिए, कृपांक दीजिए, कृपांक दीजिए, कृपांक दीजिए, बस पेपर भर गया। आप लोग देखेंगे यहाँ इस पेपर में तो कुछ लिखा ही नहीं गया। अरे वो है, लेख ही अलग है, उसको आप लोग नहीं पढ़ सकते। समझ में आ रहा है ना? आपके बच्चे इस प्रकार हलचल करते हैं, और एक पेपर में वह भी लड़का 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 दिखता है। आप यदि कृपांक की ओर ध्यान नहीं देंगे, भगवान की कृपा आपके ऊपर नहीं होगी, इसलिए आपको देना पड़ेगा। धमकी तक आज के विद्यार्थी शिक्षकों के लिए देते रहते हैं, जो आपके ही बच्चे हैं। इसलिए अब पूरा भारत, अब इंडिया नहीं रहने वाली है, आप लोगों का क्या होगा मुझे बताओ?
आप लोग तो इंडिया के नेता हो, भारत के नेता अलग होते थे और वहाँ आज तक भारत टिका हुआ है। केवल इतिहास को पढ़ने की आवश्यकता है, केवल अपनी दिशाओं को बदलने की आवश्यकता है। भारत भारत में ही है, वह इंडिया नहीं हो सकती, लेकिन विदेशी शिक्षा दीक्षा और अनेक सुख सामग्री के चीजें आप लोगों ने अंबार लगाने का प्रयास किया, किंतु आज तक उसका उसका नतीजा कुछ भी नहीं निकल पाया। और अब वही नेता लोग आते हैं, महाराज हमारे लिए आशीर्वाद खूब दो, ठीक है आप लोग खूब नोट बांटो तो मिलेंगे आपको, सब व्यवस्था हो जाएगी। किंतु ये भी ध्यान रखना जीएसटी भी लगी हुई है। नहीं समझे, आप कितने भी इकट्ठा कर लो, इकट्ठा हो नहीं सकता, नदी का पानी रुक नहीं सकता। और नदी का पानी यदि नहीं रुकता और विशेष वर्षा हो गई तो वहाँ पर बाढ़ की व्यवस्था होगी, उस बाढ़ में सब लोग बह जाएंगे। बहने से पूर्व में उतना ही पानी नदियों में छोड़ो जिसका आवश्यक है और बाकी पानी को संग्रह करके रखो, नहीं है तो उतना ही संग्रह करो जो जब जब चाहे तब उसको खाली कर सकोगे। खाली नहीं करोगे तो आपको कभी भी सुख मिलने वाला नहीं। खाली जब तक आप नहीं होगे कभी भी, हम तो भारतवासी हैं, हमारे तो मोक्ष में टिकट पहले से रिजर्व है, वहाँ पर कोई रिजर्वेशन मिलता ही नहीं, होता ही नहीं, आप सुरक्षित हैं, तब खाली रहोगे। भारतवासी कभी अपने घर भरना नहीं चाहता, वह अपने घर को बसाना चाहता है। घर को बसाना और घरों को भरना ये बहुत अंतर है। घर को भरने वाला व्यक्ति महावीर का उपासक नहीं हो सकता, और घर को बसाने वाला व्यक्ति अतिथियों को हमेशा हमेशा उनके योग्य वह सेवा करेगा और अपने काम करेगा। साधुओं को भी चाहिए किसी दिशा से बंधे नहीं, किंतु अपने पास दशा है, उस दशा को प्राप्त करने के लिए यत्र तत्र विचरण करते हैं। अभी आपने कहा यहाँ पर पेट भर गया है, तो आप ज्यादा पेट क्यों भरा दिया इनको? नहीं समझे, ज्यादा पेट भर गया तो कल का वह प्रबंध और करेगा, इसलिए व्यापारियों को चाहिए वे संग्रह न करें। अब भारत लौट करके बुला रहे भारत को तो यहाँ संग्रह मिलेगा तो व्यापारी को कहा जाएगा ये संग्रह क्यों हुआ। संग्रहणी बीमारी होती है, गृहिणी और संग्रहिणी दो हैं, गृहिणी तो है ये पत्नी है, संग्रहिणी आ जाए तो फिर क्या करोगे, दो हो जाएंगे तो फिर आपका क्या होगा बताओ। इसलिए वह जो ज्यादा संग्रह हो गया उसको पहले से भी आप भेज दो। पानी ज्यादा रहेगा बांध में तो निश्चित रूप से भी कभी भी वह फूट सकता है, टूट सकता है बांध। महाराज अब तो हमारे धैर्य टूटने को है, धैर्य फूटने को है, धैर्य रखो। क्या कहा? धैर्य रख, धैर्य, धैर्य के बिना और कुछ नहीं। साहस हसू दे, सादा साहस, साहस इतना फूट मत नहीं, साहस के लिए छाती में रखा जाता है, छाती में। महाराज हार्ट अटैक की बीमारी है तो कैसे साहस रखेंगे? अरे साहसी व्यक्ति के पास हार्ट अटैक और हार्ट फेल होते नहीं, ध्यान रखो। मस्तिष्क बिगड़ता है
तो हार्ट अटैक और हार्ट फेल हो जाता है। मस्तिष्क को ठीक रखो, सब आप ठीक रहोगे। यहाँ तो लोह पुरुष जैसे जीते थे, लोह पुरुषों के माध्यम से शासन चलता था, यहाँ पर अब लोह तो है लेकिन वह जंग खा गया है। लोहे यदि जंग खा जाता है तो उससे बचना चाहिए, क्योंकि धक्का लग गया डॉक्टर के पास जाओ तो वो कहता है अब तो पैर पूर्ण निकालना होगा, विलंब करोगे ऊपर भी धड़ा भी आ सकता है, फिर क्या होगा, धड़ाम से गिरना और कौन सा करना है। इसलिए आप लोगों से कहना है कि जहां कहीं भी हो धर्म ध्यान करो, प्रभु आपके पास है, क्योंकि यह दूर और पास यह आपका हाथ का है। हमारे पास समय पर मैं बता दूंगा कि महाराज हमारे यहाँ कब आओगे, सुना आपने, कौन कह रहा है, जेल में कैदी है? हाँ, जेल में कैदी, इसलिए हम दक्षिण वाले और उत्तर वाले सबको कह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि हमें वहां से बाहर निकालो, हम भारत को और पहले जैसे भारत बनाएंगे। आप लोग 70 साल से नहीं बना सकेंगे, इसलिए हमें वो भी आवाज सुनना है। अब देखो किसकी जीत होती है, कैदियों की क्या आपकी, अहिंसा परमो धर्म की। अभी खड़े होंगे हम लोग, बैठे हैं प्रस्ताव पर।